और हम सब अपनी नानी को देखने के आए हैं। यहाँ पे डबल रूम बना रखा है, एक ऊपर रूम है एक नीचे रूम है। भूस यहाँ पे सुखा रखा है धूप में। ये जो घर देख रहे हैं ये मेरे मामा का पुराना घर है, जिस ये दरी बनाने का सांचा है और घर में ऐसे डिजाइन लगाते थे पहले। मेरी मामी बनाती है इसको। बरसम के खेत में पहुंच गए हैं हम। ये जो सारा देख रहे हो ये गाय का चारा है और ये घर इस तरह की सिल्लियों से बना हुआ है। पे मेरे मामा जी गाय को नहला रहे हैं, देखो। ये हमारी प्यारी सी मामी है जो कैमरे में आने से शर्म आ रही है ना। हेलो बोल रहा है। हेलो, हाय। और दिखाते हैं अपने मामा का मकान जो बन रहा है, क्या क्या बन रहा है इसमें। और ये मेरे मामा की भैंसे हैं। अरे तो बेचारे सब डर रहे हैं भैया, तुमने तो भैंस उठा दी। बैठ जा, बता क्या क्या बन रहा तेरे घर में। अच्छा अभी यहाँ तो कंप्लीट ना हुआ ना। अभी गांव में लेंटर की छत नहीं बनाते हैं, सब इस तरह की पटिया की छत बनाते हैं, गाटर पटिया की। ऐसे लगाते हैं गाटर, फिर उनको ऊपर ये रख लेते हैं, फिर मिट्टी डाल के ऊपर से पलस्तर कर देते हैं, फर्श डाल देते हैं। तो गांव में मकान कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं। और कमेंट में बताना किस किस के गांव में इस तरह के मकान बनते हैं गाटर पटिया के। वैसे तो बहुत जगह लेंटर के भी बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर पहले ज़माने में ऐसे घर बनते थे और ये बहुत अच्छे लगते थे। और इस पर ऐसे मिट्टी डाल देंगे, फिर इसके ऊपर ईंट बिछाएंगे, ईंट बिछाने के ऊपर फिर इस पर फर्श कर देंगे, है ना। ऐसी बना ना। चलते हैं नीचे देखते हैं रूम। अभी सारा काम अधूरा ही है, बना कुछ भी नहीं है कंप्लीट। एक रूम ये है, रूम में थोड़ा अंधेरा है। एक उजाले के नहीं है, वो छोड़ रखा है वहाँ से, है ना। उजाले के नहीं छोड़ रखा है वो, ऐसे ही वैसे ही। अच्छा एक रूम ये है और अंदर एक छोटा सा स्टोर दिया है, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है, कुछ हमारे ऊपर गिर ना जाए तो आगे नहीं जा रहे हम। इनसे मिलो, ये है मेरे मामा की बेटी और ये भी अपनी दादी को देखने आई है। हेलो। आज पहली बार मेरी वीडियो में आएगी है। और कुछ कहेगी? और इनसे तो मिल रहे हो, मेरी मामी है। हेलो मम्मी, तो बड़ी जल्दी हेलो बोला है। राधे राधे, राधे राधे, बोले राधे राधे। और मम्मी का हुक्का चल रहा है, जाने के लिए हम भी तैयार बैठे हैं। बस इसका सुरती का इंतजार कर रहे थे, मैं आएगी तो अपनी बहन से मिल के ही जाऊंगी। काफी साल बाद मिले हैं आज हम। कितने दिन तक मिलने को टाइम ही ना मिले, है ना। इतने बिजी हो जाए जिंदगी में, थक। ये तो पड़ेगा हरिद्वार की तरफ आवा, जब तो मैं रस्ते में ही पड़ू यार, कभी तो मिल लिया। हरिद्वार तरफ ना गई मैं आज तक, हरिद्वार ही ना गई। आगरा, आगरा तो खूब गई है। चलो तो कभी आवे तो मिलना, नंबर है ही। ठीक है, गर्मी में तो बहुत बेकार है, गर्मी में जाना तो है। तो खुलवाओ। और हमारी मामी ने इतनी सेवा करी है हमारी, भाई कल से जब से आए हैं जब से सेवा करनी पे है, और चाय की तो कोई गिनती ना है। गुड़ वाला आ गया भैया। अरे शक्कर भी है, हैगी। अब तो जाऊं मैं नानी, आज तो चली जाऊं। ठीक है, अब नानी ने इजाजत दे दी है। जाइए देख कहीं शक्कर कैसी है। बाबू नहीं ले, मैं छोटी कहीं इतनी कोई वो ना। नहीं नहीं छोटी, अरे पागल है तू, ले ले मेरी नानी दी। चलते हैं यूपी, चलते हैं यूपी में, हरियाणा को फिर बाय बाय बनते हैं। चाय के कप के साथ, ठीक है। हाँ तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, सारी विदाई के पैसे वहीं देने पड़ जाएंगे। विदाई के पैसे ले लेंगे और जो चालान कटेगा वो भरा जाएगा। घर पहुंच गए हैं हम, अपने मामा के घर से वापस आ गए हैं अपने अर्थला।
और चाय भी पी ली है, भूख भी लगी थी रास्ते में। मन्नू लेके आया था अपने लिए समोसे, तो उसने समोसे भी खा चुका है और हम चाय भी पी चुके हैं। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दिल से। वीडियो आएगी ये हमारे नए फ़ोन की आएगी, तो कमेंट में आप बताना क्लियरिटी कैसी आ रही है और आवाज़ में कुछ फ़र्क लगा कि सेम आवाज़ आ रही है। थैंक यू सो मच।